वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से कोलकाता से आपका स्वागत है। तो कल रात को हम लोग कोलकाता आ गए थे एक्चुअली, और फिर तीन दिन से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे तो बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक दिन का ब्रेक ले लिया जाए। तो कल रात से आके इधर ही सो गए थे ये हॉस्टल में, और यहाँ पे हम पे कर रहे हैं 550 रुपये, मुझे लगता है भाई फॉरेन से यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन हॉस्टल का ऑप्शन कम है और हावड़ा ब्रिज से कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम चलते हैं, शाम के 6 बजे हैं, हम चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज देखेंगे। भाई कल जब हम हावड़ा ब्रिज से होकर के आ रहे थे ना, मतलब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा हावड़ा ब्रिज बना है ना इतने समय पहले, मतलब तुम दंग रह जाओगे यार, कैसे बनाया, कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर तैयार किया, वही सबसे बड़ी बात है। तो हम जाके स्पेशली उसको देखेंगे। रात को हम वहीं से आए लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया। अब भाई हर जगह आप बोलते हैं भाई आप कैसे सेट करते हो, कैसे आप बस ढूंढते हो। अब देखो हम गली में आ गए, ये बाजू में था हॉस्टल, गली में आके यहाँ पे किसी को पूछ लेंगे भाई यहाँ से बस किधर से मिलेगी कोलकाता के स्टेशन पे जाने के लिए हावड़ा, तो कोई भी बता देगा यहाँ से, तो पता चल ही जाएगा हम लोगों को। और कोलकाता की फर्स्ट इम्प्रेशन भाई देख लीजिए, ये है ब्लू कलर की बसें हैं, लोकल बस, सिटी बस हैं। और एक नज़र मारते हुए चलिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये बस पता नहीं कहाँ जाएगी, मुझे नहीं पता, अभी हावड़ा जा रही है तो भी हमें पता नहीं। और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ पे पुलिस भाई काफ़ी सख्त हैं, कैमरा लगा के रखती है, यहाँ पे लाइट भी होती हैं। मेरे पीछे देखो एक बंदे को पकड़ भी लिया है, हेलमेट था फिर भी। तो अभी चलते हम लोग यहाँ से हावड़ा ब्रिज के लिए, और अभी मैं कैमरा ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बात पुलिस की कर रहा हूँ इसलिए। और ये बस है देखो, ट्रेन है कोलकाता में, आप देख सकते हो सामने, और इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी सिर्फ कोलकाता में ये ट्रेन भाई। तुम रोड देखिए, ट्रेन तो अभी हम बैठेंगे भी देखो, ये तो ट्रेन ही है रे, ट्रेन ही है, रोड पे चलती है। कोलकाता में ट्रैफिक की भाई भरमार है यहाँ पे भी, और पुलिस की अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। अब यहाँ पे भी स्ट्रीट बनी हुई है जहाँ पे आपको देखो माल सामान मिल जाता है ऐसे, और बीच में बाहर रोड के अन साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएम मोटा की ये देखो कैलेंडर है, फ्रूट वगैरह, ऐसे बहुत अच्छी मार्केट है यार कोलकाता, मैंने सोचा उससे कहीं बेहतर है। यहाँ पे बस का सेटिंग देखिए भाई, ऐसे सीधी वाली सीट है, आधी पीछे ऐसे। भाई बड़ी भीड़ भाड़ वाली बस के अंदर हम आ तो गए यहाँ पे, पीछे हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं ये रहा। तो अब इसके ऊपर जाके आपको व्यूज दिखाते हैं, और आसपास देखिए भाई इतना सारा क्राउड है और लोग है ना सब, ये लास्ट स्टॉप है बसों का तो यहीं आके रुकती है। कोलकाता का सिस्टम जरा अलग है भाई, यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम है ना, कहीं कहीं पे तो एक ही साइड बसें चलती है दोनों रोड पे, हर जगह पुलिस नाकेबंदी रहती है, और पूरा देख लीजिए भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है ना, बस वालों का तो इधर ढगला लगा हुआ है। और बहुत सस्ती भी है, 12 रुपये में तो भाई 10-12 किलोमीटर हमें लेकर के आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये है यहाँ का रिव्यू, 12 किलोमीटर बस से आए, अब चलते हैं इस ब्रिज को देखने के लिए, हम भी इसी तरफ से आए हैं तो एक बार चल के देखते हैं कि ये कैसा क्या बना है ब्रिज। अब हावड़ा ब्रिज के सामने ये ठेले ला रही है, इधर मार्केट है तो इस मार्केट के अंदर चलते हैं अभी। ये पुलिस का कैबिन है, ये देखो कुल्लड़ वाली चाय है, और ये है पीछे हावड़ा स्टेशन के पीछे की तरफ मार्केट है, यहाँ से बस आ रही, वहाँ से बस आ रही है भाई। यहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल है, आप देखोगे ना ये सारी बसें इस तरफ आ रही हैं, पूरी बसें यहाँ से देखिए, और बसें खाली जैसी हो रही है ना, पूरी भीड़ है, ये भीड़ पूरी इस तरफ अंदर जा रही है, पूरा भीड़ो भीड़।
हर एक सेकंड में बसें जा रही है, हर एक सेकंड में, और सभी भीड़ उतर के सीधा इस तरफ अंदर जा रही है। मतलब इस तरफ मुझे लगता है स्टेशन है और यहाँ से लोकल गाड़ी पकड़ते होंगे शायद। अब देखोगे ना बस ही बस आएगी, मैं आपको अगर टाइम लैप्स से करूँ ना तो पागल हो जाऊँ। ये उस तरफ हावड़ा ब्रिज से आ रही है सब बसें। अभी मैं उधर से आपको सीन दिखा रहा था और वो लोग उधर से नीचे जा रहे थे। अब इधर देखिए, ये वाली भी बसें यहीं पे आके खड़ी रहती है, वो भीड़ पूरा इस तरफ अंदर जा रही है और नीचे पूरा बाजार है। वो देखो वहाँ पे पता नहीं क्या स्टेशन है या नीचे क्या है, जाके देखना पड़ेगा। ये है भाई नदी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो पता चलेगा सब लोग। और ये है पूरा ब्रिज, ये देखो बड़ी बड़ी फेरी यहाँ पे चलती है यहाँ से, और इस ब्रिज के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक चलता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है, जैसा कि हमने सोचा कि ट्रेन भी चलती होगी। इस ब्रिज को कोई पिलर नहीं है उस तरफ से इस तरफ तक, सिर्फ वो जो बड़े वाला एक टावर बीच का और इस तरफ का बीच का टावर, दोनों टावर इसको पकड़े हुए हैं। और इतना सारा वजन उठाए हुए यार, मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिमाग हिल रहा है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ यार बना, है ना। तो ये बड़ी बड़ी फेरी यहाँ पे चलती हैं। पूरा उधर ईडन गार्डन स्टेडियम जो अब उसके पास में से हम लोग आए थे, और अभी वहाँ पे लाइटें भी चालू हो गई तो शायद वहाँ पे कुछ मैच वैच हो सकता है। तो ये है कुछ मसला, और फेरी भी काफ़ी चलती है भाई, देख लीजिए यहाँ पे जा रही है, एक वो पीछे आ रही है, तो आप देख लीजिए। और ये लोग जो दुनिया भर से लोग आए हुए यहाँ पे। चलते हैं नीचे भाई, अब चलते हैं अंडरग्राउंड, नीचे मार्केट है और उस तरफ लोगों को भीड़ जा रही है, हैरान हो जाओगे आप देख करके। ये देखो हम नीचे आ रहे हैं ऑलरेडी, आधे तक आ गए। ये देखो अंदर भाई, देखो सब्जियां भी है, मार्केट भी है, लोग पता नहीं किधर किधर से आ रहे हैं। ये देखो एक रास्ता इधर से आने का है, एक उस तरफ से आने का है। तो भाई अभी एक लफड़े में फंसते फंसते बच गए। एक्चुअली हमको पुलिस वाले आगे दो जनों ने हमको पकड़ लिया, पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो हमने बोला कि भाई हम तो ऐसे ही खड़े वीडियो बना रहे हैं। बोले यहाँ पे परमिशन नहीं है, वीडियो मत बनाई। तो मैंने बोला भाई ठीक है यार, हम निकल जाते हैं और क्या, ऐसा करके धीरे से निकल गए, नहीं तो यार लफड़े में पड़ने वाले, धंधे वाले लग जाने वाले थे। ये देखो भाई हावड़ा ब्रिज के नीचे का रास्ता है, और सदर बाज़ार के लिए बस कहाँ से मिलेगी देखते हैं। भाई कभी गलती से आप हावड़ा का ब्रिज देखने आ जाते हो ना, तो भी याद रखना कि इस पे जाने के लिए ऐसे आप कहीं जा नहीं सकते, ये वाली गली है ना इसके अंदर ही चलना पड़ेगा, और इसके अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है कहीं, बहुत मुश्किल है। ये ब्रिज का एंड पॉइंट है ना, वहाँ से आपको जाना होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट काम काज है भाई, ख़तरनाक वाला है, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आपको अंदर जाने की। ये देखो ये गली में अंदर जाएंगे और फिर हम इस मार्केट के साथ चलेंगे, और इस रास्ते रास्ते आपको मार्केट भी देखने को मिल जाएगी। ये देख लीजिए भाई सब्जी बाजार, लोग खरीदारी कर रहे हैं ब्रिज के नीचे नीचे, और हजारों लोग इस ब्रिज के उस तरफ जाते हैं और आते हैं। तो अभी हमने हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर लिया, 20 से मिनट लगा होगा हमको आने आते आते। एक भाई की साइकिल टूट गई तो उसकी हेल्प की, थोड़ी देर रुक के, और इसके इस तरफ आए ना तो कंबोडिया की याद आ गई। ये दुकानें देख रहे हैं ना आप, कंबोडिया की जैसी मार्केट लग रही है यहाँ पे, सब स्पाइसी मसाला वगैरह है, और ये कोई पुरानी बिल्डिंग लग रही है। अब हम चलते हैं इस तरफ कंटिन्यू, लोगों की बाढ़ आ रही है, लगातार बाढ़ आ रही है, हजारों हज़ार लोग आ रहे हैं, क्या करें देखते हुए जा रहे हैं। चलते हैं इस तरफ आगे, इस तरफ कहीं 1 किलोमीटर के बाद मेट्रो स्टेशन है, तो हम सीधा चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट है, देखो भाई गाड़ी अंदर ही ठोक रहा है। इस तरफ से आए हैं और अब इस तरफ जाएंगे, अभी भी इसके अंदर जाएंगे। ये देखो भाई क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है क्या, गर्म कर रहा है। ये बन रही है लस्सी, देखो ये फेमस ही है शायद। वही हम चलते चलते इस बाज़ार में आ गए हैं, और यहाँ पे ये दूध की दुकान है, लस्सी भी मिलती है,
रबड़ी भी बनाती है, केक, मिल्क केक। हाँ देखो आपका कोई यूट्यूब चैनल है, और ये देखो इनके बनाने की स्टाइल है। ये कौन सी मार्केट है? ये बड़ा बाजार, राजा कटरा। बड़ा बाजार है राजा कटरा, राजा कटरा। तो और मेट्रो इस तरफ है ना, मेट्रो से सीधा एकदम स्ट्रेट मेट्रो इस तरफ है। मेट्रो की तरफ जाते हुए हमें ये मिल गए भाई, और ये दूध की कढ़ाई है, कूलर में बनाते हैं ये भाई। गर्मी तो इतनी हो रही ना भाई, जब से यहाँ पे उतरे हैं ना हावड़ा के बाज़ार में, पसीना पसीना ही हो रहा है यार। पता नहीं ये लोग कैसे रह पा रहे, इतनी गर्मी यार। बारिश का मौसम है और चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। अभी यहाँ पे मैं दूध वाली दुकान पे आया था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये मलाई वाला दूध है ना बहुत बढ़िया यार। ले भाई ये गाड़ी टूट गई है, और पीछे आपको धमाधम की आवाज सुनाई दे रही है ना, पुलिस वाले लठ मार रहे बस को। यह है कोलकाता की मेट्रो, अब लोग हम मेट्रो से बाहर भी आ गए हैं, अब जाते हैं हमारे हॉस्टल। आज का टूर अब ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह होंगे। कोलकाता की सुनसान गलियां, जब यहां से गए थे इसी जगह से ब्लॉग बना रहे थे, अब देख लीजिए यहां पे कोई नहीं है, सब गायब हो गए हैं। और जाते हुए हमें पता नहीं था कि हमारे बगल में मेट्रो है, लेकिन हम लोग यहां से बस में बैठे थे। बस वालों ने 15 लिया और ये भी 15 ही लिया, बस वालों ने 12 लिया। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।